तो पिज्जा हमारा रेडी है, बन गया है। देख सकते हैं कितना बढ़िया बना है हमारा पिज्जा। तो पास्ता सबको ही बहुत टेस्टी लगा है। नाइस नाइस। वेजीज भी अच्छी तरह से डाली हुई हैं और नूडल्स देख सकते हैं। तो लीजिए जनाब, सैंडविच हमारा आ चुका है। और तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम आ जाए हैं विश्मी बेकर्स टू ट्राई आउट देयर फूड। एंड चलो आपको लेके चलते हैं विश्मी बेकर्स के अंदर और देखते हैं कि इनका खाना कैसा है। विश्मी बेकर्स, यहाँ पे आपको हर तरह की ड्रिंक्स भी मिलेंगी और बर्थडे के लिए आपको जो भी सामान चाहिए हो, केक, बर्थडे आइटम्स और ऐसे हैप्पी बर्थडे बैलून्स, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, सब कुछ। और यहाँ पे भी हमारी वीडियोस चलाई जा रही हैं, आप देख सकते हैं, फूडीज वर्ल्ड। अब देख सकते हैं कि पास्ता ऑर्डर किया है हमने और पास्ता के लिए वेजिटेबल्स कट हो रही हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि मास्क और ग्लव्स जो शेफ है उन्होंने लगाया हुआ है। आपको पूरा जो फूड है हाइजीनिक मिलेगा यहाँ पे विश्मी बेकर्स पे। तो अब डलने जा रही हैं पास्ता में वेजिटेबल्स। ये डल गया जी प्याज। एंड अब आ गया है शिमला मिर्च, कैप्सिकम, जो अमूल बटर की फ्रेग्रेंस है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया आ रही है। ये चिली फ्लेक्स डल गए हैं थोड़ा स्पाइसी टेस्ट देने के लिए। और अब डलेगा इसमें ओरिगानो। ये वेजिस के साथ आ गए हमारे स्वीट कॉर्न। क्वालिटी आपको पूरी यहाँ पे A1 मिलेगी। आपने वीडियो में प्रोडक्ट सारे देख ही लिए हैं। ये भी जो बाकी के प्रोडक्ट्स हैं वो भी वीबा वगैरह के और जो कंपनीज है बढ़िया उसके यूज किए जा रहे हैं। ये क्या है भैया? वीबा की चीज ड्रेसिंग, चीजी फ्लेवर के लिए। ओके, ये आपका चीज ब्लेंड है। ये चिली चीज ब्लेंड भी आ गई इसमें। मिक्स सॉस पास्ता बन रहा है। डेल मोंटे का तंदूरी सॉस है। ठीक है, ये टेस्ट को एनहांस करता है। ये आ गए हैं सारे टेस्ट एनहांसर्स पास्ता में और साथ में दी बेस्ट चीज अमूल। तो पास्ता हमारा आ गया है एंड अब होगी इसकी टेस्टिंग। फ्रेग्रेंस पास्ता की बहुत ही अच्छी है। सॉसेस जो अपना बीच में टेस्ट आ रहा है ना सॉसेस का, इट्स इनक्रेडिबल। बहुत ही ज्यादा बढ़िया आ रहा है टेस्ट सॉसेस का। बहुत ज्यादा बढ़िया पास्ता बना। मिक्स सॉस पास्ता मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ट्राई किया है और मुझे लग रहा है कि आगे से मैं मिक्स सॉस पास्ता खाऊंगा। पहले मैं सिर्फ व्हाइट सॉस पास्ता खाता था बट नाउ आई थिंक सो आई हैव टू ट्राई आउट मिक्स सॉस पास्ता एज वेल एट अदर प्लेसेस। पास्ता सबको ही बहुत टेस्टी लगा है। बढ़िया, नाइस नाइस नाइस। तो ये लग रहा है अब पिज्जा। और पिज्जा का यहाँ पे स्टोर बोर्ड डो नहीं यूज किया जाता, पिज्जा का यहाँ पे फ्रेश बेस बनता है। आप देख सकते हैं जैसे ये ओवन हीट होना शुरू हो गया है साथ में, फ्रेश पिज्जा डो हमारा रेडी हो रहा है। तो ये लग रही है पिज्जा सॉस पिज्जा डो के ऊपर। अब आ गई है चीज ड्रेसिंग,
लिक्विड चीज़ ड्रेसिंग, ठीक है ओके, चिली चीज ब्लेंड, पिज्जा चीज आ गया, अमूल का जो कि आपको पहले ही बता दिया था वीडियो में। पूरा पिज्जा आप देख सकते हैं कि सॉसी से भरा हुआ है, सॉसी और चीजी पिज्जा होगा पूरा। अब आ गई है हमारी वेजिटेबल्स, जैसे कि आपको बताया कि क्वालिटी और क्वांटिटी में नो कॉम्प्रोमाइज। पूरा टॉपिंग्स से लोडेड पिज्जा आपके पास। पिज्जा भैया कितने रुपए से स्टार्टिंग है? 69 से, 60 से स्टार्ट है। 69 से स्टार्टिंग है। और पिज्जा में कोई वो नहीं ना होगा अभी 69 वाले पिज्जा में कम टॉपिंग आई है वैसी कोई चीज? यही है रेगुलर हमारा। ओके, मतलब टॉपिंग्स आपको 69 वाले में भी पूरी फुल लोडेड ही मिलेंगी। तो पिज्जा भी चला गया ओवन में हमारा, तो पिज्जा हमारा रेडी है, बन गया है, देख सकते हैं कितना बढ़िया बना है हमारा पिज्जा। तो पूरा क्रस्ट जो है पूरा क्रंची है फुल, एंड अभी करते हैं इसको टेस्ट और आपको बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है पिज्जा का। ये आपका बनाया है 89 वाला जो बनाया है? ये 89 वाला है। हाँ। ये 89 रुपीस वाला पिज्जा है, डबल वेजी वाला। हाँ, डबल वेजी। सब बहुत ज्यादा गर्म है, पिज्जा का भी वेरी मतलब काफी चीजी फ्लेवर है और वेजेस भी काफी क्रंची और बढ़िया, बहुत बढ़िया टेस्ट आ रहा है पिज्जा का भी। जो इन्होंने सॉसेज डाली थी, सॉसेज अपना जो फ्लेवर है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से इसमें इन्फ्यूज कर रही है। मतलब जो भी चीज़ें हमने अब तक टेस्ट की हैं वो काफ़ी अच्छी हैं और आई एम श्योर कि जो बाकी चीज़ें हैं वो भी काफ़ी अच्छी होंगी। वेजीज भी अच्छी तरह से डाली हुई हैं और नूडल्स देख सकते हैं भी स्टिकी भी नहीं है। कई बार होता है कि आपको स्टिकी नूडल्स मिलते हैं पर, तो अब करते हैं हम नूडल्स को टेस्ट। फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया है नूडल्स की, आई होप टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा हो जितनी अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस है। पंजाबी स्टाइल नूडल्स, शेजवान सॉस जो डाली थी ना इन्होंने, शेजवान सॉस अपना कमाल दिखा रही है नूडल्स में, बहुत ज़्यादा बढ़िया बने हैं नूडल्स। स्पाइसी, मतलब मुझे स्पाइसी चीज़ ज़्यादा पसंद है, पंजाबी हूँ ना तो स्पाइसी थोड़ी ज़्यादा खाता हूँ चीज़, तो बहुत बढ़िया और स्पाइसी फ्लेवर है। स्पाइसी कम भी बना सकते हैं, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी रखवाया था बट नूडल्स का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया। तो ये हमारा बन रहा है सैंडविच। भैया ये रेड वाली कौन सी सॉस लगाई है आपने? ये पिज्जा पास्ता वाली सॉस है ये। ठीक है, और ये जो सॉस है आपने खुद बनाई है या स्टोर से रेडीमेड वाली है? जो ये ईस्टर वाला है, डेल मोंटे का। ठीक है, डेल मोंटे की। और ये सॉसेस जो आप यूज कर रहे हैं ये भी डेल मोंटे की है या? हाँ जी। ठीक है, सारी सॉसेस जो हमारे पास यूज हो रही हैं सब ब्रांडेड है। Okay. और डेल मोंटे से हम परचेज करते हैं ताकि कस्टमर को टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज ना मिले।
लीजिए जनाब, सैंडविच हमारा आ चुका है और आप देख सकते हैं कि सैंडविच पूरा सॉसी से भरा हुआ है और सॉसी पूरा टेस्ट आएगा इसका मेरे को लगता है। सैंडविच बहुत ही अच्छा बना है सीरियसली, कि उसका टेस्ट है ना, जो सॉसेज का टेस्ट आ रहा है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया आ रहा है। और आप अगर यहाँ पे आते हैं तो एक बार सैंडविच खुद आप ट्राई करके देखना एंड आई एम श्योर यू विल लव द सैंडविच। तो ये है विश्मी बेकर्स के ऑनर सर, पहली बात तो थैंक यू हमें इनवाइट करने के लिए। वेलकम। और आप प्लीज इस जगह पे आइए, आप सर प्लीज एक बार लोकेशन और टाइमिंग बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। सर हमारा ये साउथ दिल्ली में पड़ता है, पहलादपुर के पास विश्वकर्मा कॉलोनी, विश्वकर्मा कॉलोनी एफ ब्लॉक में हमारा विश्वी बेकर्स है। अभी ओपन हुआ है हमारा, अगस्त में ओपन हुआ है। ओके, अगस्त में। और विद ऑल फूड सर्विस लाइन से बिलोंग है और बाकी जितना भी हम काम कर रहे हैं सारा एज पर द लीगल वे, एज पर द जीएसटी, एज पर द फूड लाइसेंस के साथ कर रहे हैं। टेस्ट हम आपको करवा रहे हैं जो वो आप, टेस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। टेस्ट तो बस उसके अंदर व्यूअर्स आए और व्यूअर्स टेस्ट करके देखे मेरे, टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़िया था। उसमें आपको कोई भी किसी भी चीज की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेगा। हमारा फर्स्ट मोटिव ये है कि कस्टमर हमारे पास जो है वो ये खुश होकर बोले कि किसी दूसरे कस्टमर रिकमेंड करे कि भाई वहाँ जाओ, वहाँ जाके टेस्ट करो। नहीं, वो वैसी बात आपके फूड में थी। और जो मेन्यू है, मेन्यू का अभी मैं आपको पिक्चर्स दे दूंगा, आप प्लीज स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए। विश्वकर्मा कॉलोनी में आई थिंक सो फ्री डिलीवरी है सर। फ्री डिलीवरी है हमारी, नियर बाय जितना भी 1-2 किलोमीटर के अंदर हमारा फ्री डिलीवरी है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है फ्री डिलीवरी। और और स्विगी एंड जोमेटो पे भी आप विश्मी बेकर्स अगर सर्च करेंगे तो स्विगी और जोमेटो पे भी इनकी डिलीवरी अवेलेबल है। स्विगी जोमेटो दोनों पे हमारा ऑनलाइन है, स्विगी में थोड़ा इशू आ रहा है तो अभी स्विगी पे हम कंटिन्यू नहीं कर रहे। ओके। तो इसलिए थोड़ा सा स्विगी में जैसे रिजॉल्व हो जाता है तो वो इट विल बी कंटिन्यू विद स्विगी। एंड यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको केक्स भी मिलेंगे, केक्स की भी मैं आपको बीच में फोटोज प्रोवाइड कर दूंगा। और केक्स भी इनके बहुत अच्छे होते हैं, मैंने मतलब एक थे व्यूअर और इनके जो कस्टमर थे उनसे मैंने केक का रिव्यू लिया था, अभी मैं वो शूट नहीं कर पाया क्योंकि तब थोड़ा इशू था मोबाइल में। तो केक भी इनके अच्छे हैं, केक भी आप अगर लेना चाहते हैं तो आई रेकमेंड विश्मी बेकर्स। सो थैंक यू भैया इन्वाइट करने के लिए। आप कहना चाहते हैं केक्स के लिए? मैं एक बात बताना चाहूंगा, जितने भी हमारे कॉम्पिटिटर से नियर बाय शॉप्स हैं, सब जगह मैदे का यूज होता है। हाँ जी, मैदे की किस क्वांटिटी में यूज होना है, एक पर्टिकुलर उसका प्रीमिक्स आता है। हाँ जी। वो प्रीमिक्स हम लेते हैं और उसी का केक बनाता है, क्योंकि है। मैं जो प्रीमिक्स यूज कर रहा हूँ पिल्सबरी का यूज कर रहा हूँ, जो कि आपको एक ग्लास या एक ग्लास बेकरीज में या फाइव स्टार होटल्स वगैरह में जो केक मिलते हैं उनका होता है। ओके। क्योंकि वो भी पिल्सबरी यूज करते हैं, पिल्सबरी इज द बेस्ट ब्रांड इन बेकरीज। मतलब अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको पहली बार क्वालिटी और क्वांटिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेगा। ये मैंने आपको दिखा भी दिया है कि क्वांटिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था और आपको हर चीज जो ये यूज कर रहे हैं सॉसेज वगैरह सबकी मैंने आपको डिटेल में बता दिया इस वीडियो में। तो थैंक यू भैया इन्वाइट करने के लिए एंड बाय बाय फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।